उपायुक्त की पहल पर जिले में पहली बार किया गया शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। U11 एवं U15 वर्ग के लिए आयोजित इस प्रतियोगिताओं में कुल 48 प्रतिभागी हुए शामिल। चतरा कर्पूरी ठाकुर भवन इंडोर स्टेडियम में एक दिवसीय आमंत्रण ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन आज किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उपायुक्त श्री अबू इमरान के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम से पूरे मौके पर उपस्थित छात्रों ने उपायुक्त को पुष्प गुंज भेंट कर आयोजन में स्वागत किया। मौके पर उपस्थित आयोजकों, अभिभावकों और बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, पर्यटन और खेल को बढ़ावा देना है, जिसके तहत जिले में उपरोक्त क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर भवन इंडोर स्टेडियम का कार्यकल्प इसी परिधि में किए गए कार्यों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जिलों में मौजूद असीमिता कला और हुनर को एक मंच प्रदान कर उसे उज्जवल भविष्य की ओर प्रेषित करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है, और उन्हीं प्रयासों में से एक आज का शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन है। मौजूद सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करने की बात कही। स्विस लीग पद्धति के तहत आयोजित इस एक दिवसीय आमंत्रण ओपन शतरंज प्रतियोगिताओं में U11 एवं U15 वर्ग में कुल 48 प्रतिभागी शामिल हुए हैं, तथा आज संध्या तक इस प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की जाएगी। इस रूप में प्रथम एक दिवसीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपायुक्त महोदय का बहुत बहुत आभार एवं स्वागत करते हुए तमाम हमारे प्रशिक्षक महोदय और यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी का स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चतरा जिला के लिए डीसी सर जिस प्रकार से इस जिला को संवारने में लगे हैं, खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स एवं अन्य विकास की योजनाओं आप चतरा में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यह क्षेत्र वीरान हुआ करता था। आपको आने के पश्चात ही यह देखने को मिल रहा होगा कि हमें यह एक नया रूप देखने को मिला, और इस प्रकार का आयोजन चेस पहली बार किया जा रहा है। इसी सब के नेतृत्व में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता भी आज से एक माह पहले आयोजन किया गया। आगे आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आने वाले एक से दो महीने में आप देखेंगे कि यहाँ एक नया स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। आज का जो चेस प्रतियोगिता है, चेस एक ये बहुत खुशी की बात है कि दो दिन बल्कि कल शाम ही जो आपने पूछा, अभी हम सोच रहे थे कि दो दिन में 40 बच्चों ने अप्लाई किया, तो ये दिखता है कि चतरा में टैलेंट है, चतरा में एनर्जी है, चतरा में कुछ कर गुजरने की चाह है। एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता बहुत दिनों से चतरा को थी, जो अब आपको राज्य सरकार प्रदान कर रही है, और इसलिए आप सभी इसका फायदा उठाइए। आपको इस प्रकार के गेम में आयोजन करने में हम लोग यही रहता है कि बच्चों को जो है एक मंच मिले और आपका संपूर्ण विकास हो। आज इस जन नायक कर्पूरी ठाकुर भवन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसे महापुरुषों के विचारों को हम लोगों को जानना चाहिए, और पूरी की पूरी तत्परता से, अनुशासन से और ईमानदारी से खेल करना चाहिए। खेल के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि खेल में हार जीत उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इतना भाग लेना और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना। शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग चतरा का, राज्य का और देश के नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।